जी यही है ना जी। आजकल के जमाने की जितनी ये नई पीढ़ी है जो हमारे सामने बैठी है, इधर वाली नहीं इधर वाली, वो इनका बात करने का और सब तरीका अलग ही हो गया है कि नहीं देवियों सज्जनों। मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारे नव्या जी, ये हमारे टेक सपोर्टर हैं, यानी हमारे कोई भी यानी मैकेनिकल का प्रॉब्लम हो, टेक प्रॉब्लम हो, मोबाइल में प्रॉब्लम हो, सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम हो, ये उसको हम बुलाते हैं। 2-3 बजे रात को भी हम उनको बोलेंगे चलो भाई ऊपर। टाइम का कोई सिस्टम नहीं है घर पे, लेकिन 2-3 बजे में कोई भी सो रहा होता ना, 2-3 बजे आप फोन लगाते हैं, मैं डर जाती हूँ आपकी आवाज अभी नींद से उठ के सुनाई देती है तो और मैं भाग के आती हूँ आपके पास स्टडी में आप बैठे हैं अपने गाउन और चप्पल और टोपी पहन के। एक्चुअली मैं बोलने वाली थी कि आप काफी अच्छे लग रहे हैं सूट में, घर पे तो आपको गाउन में ही देखते हैं हम तो अच्छा लग रहा है आपको सूट में देखते हुए। घर पे जब हम देखते हैं केबीसी मामा नव्या में अगस्त्या बैठ के, तो आपके स्टाइल और कपड़ों पे बहुत चर्चा होती है कि आज अच्छे लग रहे हैं, आज ये कलर पसंद नहीं है। मामा सबसे ज्यादा कमेंट्स मामा के कोई कलर्स आप पे अच्छे नहीं लगते, वो डायरेक्टली बोल देती है कि अरे आज तो अच्छे नहीं लग रहे ये बिल्कुल। कौन से कलर अच्छे नहीं लगते अभी हम खुद से पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। ज्यादा शार्प रिएक्शन, अरे ये क्या बोल रही है नव्या के बहुत से कलर्स हैं जो आप कहते हैं कि मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको खुद को मैंने कहा हुआ है, एक तो पता नहीं मरून ब्राउन पहनते हैं। और एक कुछ अजीब सा वायलेट कलर का सूट पहनते हैं, वो भी बहुत खराब है। आज मैंने वायलेट तो नव्या ने भी पहना हुआ है, मेरी भी खूबसूरत लग रही है। वो नाना का जो है वो कुछ अजीब सा मुंह और पता नहीं अच्छा नहीं। और हम जो वायलेट बनते हैं वो अच्छा नहीं लगता है आप पे, नहीं अच्छा लगता है। जाओ हम बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है। ओके खेलने के पहले अभी आपने बोला कि मैं घर पे टेक सपोर्ट हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ देखने के लिए कि आपको याद है या नहीं मैंने आपको क्या सिखाया। तो पहला क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कैसे भेजते। इंस्टाग्राम पे रिप्लाई, यस रिप्लाई मतलब जब लोग आपके फोटोज पे कॉमेंट डालते हैं तो उसको रिप्लाई कैसे आपको आता है। उसमें एक है कुछ बना हुआ ऐसा कुछ बना हुआ गोल मोल, उसको दबाते हैं फिर एक नीचे वो पैनल खुलता है तो जिसने पूछा है जवाब उसका नाम आता है, बस उसके सामने हम लिख देते हैं जो भी जवाब है। एक रिप्लाई का भी बटन होता है जिसपे रिप्लाई लिखा है तो उसको ही दबाना। अच्छा, है हाँ, वो हमको नहीं मालूम। ओके ठीक। लेकिन अभी आपने अभी BRB के बारे में बात किया और बोला कि इस जेनरेशन के बच्चे हम ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन आप भी काफी एक्टिव है हमारे फैमिली ग्रुप चैट में और आप भी ऐसे स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं, तो मैं आपसे इनके भी थोड़े क्वेश्चंस हैं मेरे पास। मैं आपको सेंटेंस में एग्जांपल दूंगी फिर आपको मुझे बताना है कि इस स्लैंग का मतलब क्या होता है। तो आज आपका OOTD काफी अच्छा लग रहा है आप पे, तो OOTD का मतलब क्या है? OOTD yes. जो आपको मालूम है ये OOTD क्या होता है? बिल्कुल नहीं, मामा को तो बिल्कुल नहीं। आउटफिट ऑफ द डे। आउटफिट ऑफ द डे। एक और है मेरे पास, GOAT, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यस, वेरी गुड। आपने पास कर लिया ये टेस्ट। अच्छा, हमें तो आपने पास कर दिया है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमको मालूम है जो आपको नहीं मालूम, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट। लाल लालनी श्वेत वाहनी लक्कड़ देत प्रकाश, दौड़त दौड़त गिल्ली उछले दिन रात करत अभ्यास। हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी, चल शुरू हो जाओ। 1, 2, 1, 2, 3, 4 These are all going to you also. The new series is you and Purani Peeri. हम इस गेम को क्विट करना चाहेंगे प्लीज। नहीं पता है। So question. Is it about cricket? No, मामा. It is right. It's about cricket. Yes, it's cricket. How did you know? अभी मैं समझाता हूँ।
लाल लाली लाल गेंद श्वेत वाहनी व्हाइट बॉल नहीं नहीं लकड़ दे तो प्रकाश बैट इज लकड़ दौड़ो तो दौड़ो तो गिल नहीं उछरे दौड़ दौड़ करके वो विकेट दिल्ली इज विकेट तो बेल उड़ जाते और दिन रात कर प्रयास डे नाइट भी होता है गेम डे में भी होता है रात में भी होता है अरे आई एम टू गुड यार जरा सा गुड शी इज सो मच शी गॉट इट एंड वेल डन श्वेता थैंक यू अभी कुछ शब्द में बोलूंगा उसका आपको बताना पड़ेगा कि क्या है वो अट्टालिका अट्टालिका मामा नानी ऊंची इमारत स्काई स्क्रेपर शी इज राइट अट्टालिका मतलब स्काई स्क्रेपर संगणक नानी संगणक कंप्यूटर क्या बोला आपने कंप्यूटर इज राइट कंप्यूटर कंप्यूटर मैंने कहा ना कंप्यूटर टीवी आपने कहा था जी हमने सुना ही नहीं है मेरी बात तो सुनते नहीं है आज बता दो आज हालत घर पे बहुत बुरी होने वाली है कुछ नहीं होने वाला मैं दिल्ली में हूँ ओके फिर को आगे बढ़ाते हैं ठीक है जी हमारा तीसरा प्रश्न ये है 3,000 रुपए का रेडी